दोस्तों यहाँ पे यहाँ की व्यवस्था ना एक नंबर है, बहुत अच्छी है, क्योंकि उधर में वहाँ से खाना लेना होता है और वहीं पे खा के कहीं तो डस्टबिन में डालना होता है, उसके बाद में यहाँ पे हाथ धोने का सुविधा है, पूरा बना हुआ है। यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं, इधर हाथ धोने का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल पैसा भी खर्च नहीं होना है, खाने के लिए, रहने के लिए, दर्शन करने के लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट है इधर में। और उसके बाद खाने के बाद में चाय भी पी मिलेगा, आपको चाय ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमने भंडारा खाया है, अभी हम चाय लेंगे, चाय भी इधर में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी एक जगह भंडारा और है, यहाँ पे दो दो जगह भंडारा हो रहा है, तो दूसरा भी नहीं छोड़ेंगे हम, दूसरा भी खा के आएंगे, वो तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अभी यहाँ से चाय कलेक्ट करेंगे, चाय लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा बंदोबस्त किया आप लोगों ने। हम लोग क्या करने वाले कौन है जी? हाँ जी, सब ऊपर वाले, ऊपर वाले पहाड़ों में आके आज इतना साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पूरा चाय दिया जाता है, हमको भी दे दीजिए अंकल जी। हमको मिल गया है चाय, अब पियेंगे इसको, यहाँ से भीड़ से निकल जाते हैं। पीलियो सिगरेट भी जला लेगा ही नहीं, साले पाप इंसान। अरे मैं माइनस में पाप में हूँ यार अभी। अच्छा, अभी मेरा माइनस है। अच्छा, अब अपना चाय एंजॉय कर लेते हैं, तब तक के लिए आपको मिलते हैं बाद में। जय पशुराम, जय पशुराम, जय बस बस। लो फीलिंग लेके, अरे अंकल जी क्या देख रहे हो इधर, क्या देख रहे हो? मैडम कहीं पीछे पीछे क्या देख रहे हो आप बताइए? हाँ, ये देखना है इधर। मैं भगवान की जो है तो लीला को देख रहा हूँ। अच्छा, अपरम पार है ये प्रभु, आपकी लीला अपरम पार है, आपके लीला को कोई भी, हे श्री राम, कैसे क्या बनाया, आपके लीला कोई जान नहीं पाएगा। वैसे यहाँ का आपको ये कैसा लगा सुविधा, यहाँ की? यहाँ की सुविधा बहुत बढ़िया लगी। पहले प्लेट मिली, फिर खाना मिला, उसके बाद चाय, कॉफी, अभी खिचड़ी भी मिलेगा, अभी खिचड़ी भी मिलेगी, अभी खिचड़ी मिलेगा क्या? हाँ, अच्छा, तो आज तुम्हारी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि हम तो भंडारे के लिए मरे जाते हैं, फिर से भंडारा मिलेगा दो दो बार आज ना अंकल जी? अरे बिल्कुल, मोहित को खिलाओ। हाँ मोहित, खाओ भंडारा खाओ। नहीं वो खा ले। हाँ एक मिनट। और अभी हमारा हो चुका है चाय पीना, और गिलास, खाली गिलास यहाँ पे जमा कराने हैं, यहाँ पर रखना है ना, यहाँ पर रख दिया है गिलास खाली। अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। अरे बैग कहाँ अपना है, बैग, एक बैग ये रहा, एक बैग हो रहा। अंकल जी कहाँ हैं? इधर अंकल जी चाय पी के आ रहे हैं ना अभी। अंकल जी गिलास दे देंगे। हाँ, वहाँ गिलास नहीं देना। आगे बढ़ने से पहले हम अंकल जी का वेट कर लेते हैं, अंकल जी आ रहे हैं, चाय का गिलास देने गए हैं, और वो हो रहे हमारे अंकल जी। रुको अंकल जी को आने दे यार, चलो अंकल जी चलो।
के अंदर की व्यवस्था देखोगे जहाँ के बाहर से देखोगे। चलिए देख लेते यहाँ पे वैसे है क्या जो है, तो जो श्रद्धालु हैं दूर से आते हैं अच्छा। उनके रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, मतलब रात में जो आते हैं, जो रात को आते हैं जिनको, या दूर से आए हुए हैं एक दो दिन रुकना है, तो यहाँ पे जो है तो ये धर्मशाला है, तो अंदर में बहुत बढ़िया है, रुकने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, तो ये है धर्मशाला, यहाँ पे जब भी आओ तो यहाँ पे जरूर स्टे करना, और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम्बल रजाई गद्दे जो भी मिलेगा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है, चाहे तो कितने दिन भी रह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो दिन तीन दिन आराम से रह सकते हैं जब भी दर्शन करके जाएंगे। और देखो हमारे लड़कों ने यहाँ धावा बोल चुके हैं, खिचड़ी खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए रेडी हैं। हम लोग को भंडारा बहुत पसंद है, तो अभी लड़के लोग ने धावा बोल चुके हैं। अब हम यहाँ से भंडारा लेंगे। जय श्री राम। आइए चाय पीजिए। नहीं अभी पी के अभी, ये तो ये ना जी प्रसाद लेते हैं। और यहाँ की सुविधा बहुत ही अच्छी लगी हमको यहाँ पे आके, हर कोई जितने भी यहाँ पे कार्य करता है बहुत हेल्पफुल हैं, सबकी एक दूसरे हेल्प करते हैं जी, धन्यवाद। और हम यहाँ से लेंगे प्रसादा। और वो धर्मशाला देख पा रहे हो आप, धर्मशाला है कौन सा, ये वाला गिलास चाहिए, ले लीजिए, सॉरी कम देना, कम अचार, बस बस अचार जी जी, अच्छा टेबल्स लगे ना, ओके उधर पूरे टेबल्स लगे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत साफ सुथरा इधर सारा कुछ। सर थोड़ा ये डाल दीजिए चार। जय श्री राम, जय श्री राम। उधर पहुंच गए आप लोग, टेस्टी है क्या, आग देखते दिल खुश हो जाएगा, बोले यही तो चाहिए था। उसके बाद वो छोड़ देगा कैमरा छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, अब ये भंडारा खाते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। अंकल जी आराम से गरम गरम है, इतना बड़ा मुंह है उतना तो डालना ही पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा डालने से पेट नहीं भरेगा तो क्या फायदा है, एक तो चम्मच छोटा है, मेरे को तो कटोरा चाहिए। क्या छोटा है ये चम्मच? अच्छा बस पानी रख लिया, वाला कटोरा चाहिए ना खाने के लिए। अंकल जी पानी रख लिया। अंकल जी आप कहाँ से आए हो? मैं भैया मध्य भारत से आया हूँ। अच्छा भोपाल, भोपाल ही हो? और ये मेरा दूसरा बार है, मैं पिछले साल भी आया था। अच्छा, पिछले साल का जैसा अभी है ऐसे ही था क्या? नहीं, इससे जो ना पिछले साल उतना अच्छा नहीं था, इस साल और ज्यादा बेटर हो गए, ये धर्मशाला वगैरह अच्छा हो गया, उस समय तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था और बहुत सारी चीजें इसमें जो उस समय वो नहीं पड़ा था ना, चादर वगैरह ये सब जो ऊपर में सीटें नहीं पड़ी थी, इतना वो सब नहीं था। हम लोग तो पहली बार आए लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मेन क्या है ना, जो नीचे जहाँ आदमी जाता है स्नान करने के लिए, वो जगह बिल्कुल सकरा था, उसको इतना बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, और अब भीड़ नहीं होती है। ये पिछले साल 7 बजे शाम को लगा था और 4 बजे भोर में स्नान हुआ था, वहाँ तक पहुँचने पहले सिंगल या डबल जाता होंगे ना एक साथ में नहाने के लिए? एक आदमी बिल्कुल, अभी तो 4-5 जा सकते हैं एक साथ। आप लोग कहाँ से आए हो?
इधर के ही हो तुम, तो आते रहते होंगे ना यहाँ पे? कहाँ आते हैं, वो सब 14 जनवरी का इंतजार करते हैं। 14 जनवरी का क्यों? मेन जो है ना संक्रांति का जो मेन वो है वो 14 का ही है। अच्छा, जो स्नान का जो मेन कर रहा है। पास भी होने से भी डेली डेली नहीं आ सकते ना? नहीं आते हैं लोग यहाँ, थोड़ा मोड़ा टूरिस्ट आते हैं। तो मजा आ रहा है मोड़ा बाबू, कैसा लग रहा है आपको खिचड़ी? पता ही जहर। हमारा गोरिल्ला कहाँ गया? गोरे, हमारा गोरिल्ला गायब हो चुका है। गायब हो कहीं खाने के लिए और ढूंढ रहा होगा।